नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनसंख्या नियंत्रण रथ यात्रा 4 दिसंबर को गाजियाबाद से चली थी और आज फिरोजाबाद में पहुंची। इसके बाद ये रथ यात्रा यहां से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ रथ यात्रा पूर्वोत्तर प्रदेश के 66 जिलों का भ्रमण करते हुए 28 दिसंबर को अयोध्या में जाकर समाप्त होगी। बता दें इस रथ यात्रा का उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण के कानून का सख्ती से पालन करवाया जाए। इस रथ यात्रा से सरकार को यह लोग बताना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में इस पर विशेष अमल किया जाए तथा 2 बच्चों से अधिक होने पर सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये क्या ये यात्रा निकाली जा रही है, किस उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है? ये हमारी रथ यात्रा इस उद्देश्य से निकाली जा रही है कि हम सरकार की हमसे मांग है हमारी, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, 2 बच्चों का कानून लाया जाए और जाति धर्म क्षेत्र से भाषा से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति पर लागू हो और यदि 2 बच्चे से अधिक बच्चे हों तो उसकी सरकारी सुविधाएं, उसकी वोटर राइट को समाप्त की जाए। और ये हमारी रथ यात्रा 4 तारीख में गाजियाबाद से चली थी और गाजियाबाद से चल करके अयोध्या जी 28 तारीख में पहुंचेगी, वहां जाकर के इसका समापन होगा। और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि तब तक हम अयोध्या पहुंचे तब तक कुछ ना कुछ निर्णय उस बिल पर ले लिया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया जाए। जय हिंद जय भारत। ये जनसंख्या यात्रा आपकी कहां से कहां तक जा रही है? ये जनसंख्या यात्रा गाजियाबाद से शुरू हुई थी और मेरठ में माननीय जिले के राष्ट्रीय कार्यक्रम मथुरा होती हुई और प्रयागराज होती है, काशी होती है, प्रदेश के 66 जिलों में होती है, अयोध्या पहुँचेगी। अयोध्या में 28 तारीख का समापन है, माननीय इंद्रेश कुमार जी इसका समापन करेंगे और प्रदेश के 66 जिलों में ये किस क्या उद्देश्य आता है इस यात्रा को निकालने का? इस यात्रा का निकालने का मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून बने देश में, चूँकि चुनाव है, चुनाव में सरकार थोड़ी सी दबाव में हमें लगता आ जाती है, उसको भी वोट चाहिए और जनता में अंडर करंट है, बहुत जरूरी है ये जनसंख्या नियंत्रण लागू करना। अगर एक दिन भी जा रहा है वो भी देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। सारी आजकल आप देख रहे हो बहुत खतरनाक स्थिति हम लोग आ रहे हैं, जनसंख्या संतुलन बहुत बिगड़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बिगड़ रहा है। इसी के साथ हम आपको जल्दी से खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला परी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।